आज हम बात करेंगे अपेंड क्वेरी की कि अपेंड क्वेरी इन पावर क्वेरी करता क्या है। सो बेसिकली अपेंड ऑपरेशन जो है वो नया क्वेरी बनाता है जिसके पास सारे रोज होते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेरी, और जो सेकेंड क्वेरी होती है उसके भी सारे रोज होते हैं फॉलोड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। सो सिंपली अपेंड ऑपरेशन विल क्रिएट अ न्यू क्वेरी, नया क्वेरी बनाएगा दैट कंटेन्स ऑल दी रोज फ्रॉम द फर्स्ट क्वेरी, सारे रोज होंगे इसमें फर्स्ट क्वेरी के, फॉलोड बाय ऑल द रोज फ्रॉम अ सेकेंड क्वेरी, सेकेंड क्वेरी के भी सारे रोज फर्स्ट क्वेरी के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एंड जैसा कि हमने मर्ज क्वेरी में देखा था कि दो क्वेरीज चाहिए, सिमिलरली अपेंड ऑपरेशन के लिए भी दो क्वेरीज चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये काम कैसे करेगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने सेलेक्ट किया, न्यू सोर्स पे गई मैं, व्हाट हैपेंड, न्यू सोर्स पे गई मैं, एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट किया मैंने और डेस्कटॉप एक्सेल पावर बीआई। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरा जो फाइल है बेसिकली वो सीएसवी में है तो मुझे यहाँ से सीएसवी सेलेक्ट करना चाहिए। ग्रेट। सो अब मेरे पास मैं बैक जाऊंगी पहले तो। ओके यहाँ पे मेरे पास सेल्स डेटा है फॉर द ईयर 2015, देन 2016 एंड 2017। अब मैं क्या करूंगी, वन बाय वन इन तीनों को मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लूंगी पावर बीआई में। सो सबसे पहले मैं 2015 इंपोर्ट कर रही हूँ। ओके आफ्टर दैट मैं 16 इंपोर्ट करूंगी। एंटर, माय बैड। ओके न्यू सोर्स पे गई मैं। अब ये जो मैंने इंपोर्ट किया है ये है 2015 का डेटा, अब मुझे चाहिए 2016 का डेटा। मैं वापस गई, 2016 इंपोर्ट किया और सिमिलरली मैं 2017 भी इंपोर्ट कर लूंगी यहाँ पे। तो न्यू सोर्स पे गई मैं, टेक्स सीएसवी पे गई और 2017 का भी डेटा मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। अब मुझे यहाँ पे अपेंड क्वेरीज समझना है कि अपेंड क्वेरीज क्या होता है। अगेन आप नोटिस करोगे तो यहाँ अपेंड क्वेरीज के फोटो पे भी बना है, रो बाय रो दिख रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रोज एड ऑन होंगे। मर्ज में क्या हो रहा था, कॉलम्स एड ऑन हो रहे थे, यहाँ पे रोज एड ऑन होंगे। तो आप अपेंड क्वेरीज कर सकते हो या अपेंड क्वेरीज एज न्यू कर सकते हो। तो मुझे अपेंड क्वेरी नहीं करना है, मुझे अपेंड क्वेरी एज न्यू करना है। बेसिकली मैं नया टेबल चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप आइदर दो टेबल को कनेक्ट कर सकते हो या फिर तीन और तीन से ज्यादा टेबल को कनेक्ट कर सकते हो। मुझे चाहिए तीन या तीन से ज्यादा टेबल। यहाँ पे मैंने सबसे पहला टेबल जो है वो 2017 शो हो रहा है क्योंकि मैंने 2017 के टेबल पे अपेंड क्वेरी लगाया था। इसके बाद आप ऐड करोगे 2000, जो भी आपको टेबल ऐड करना है आप उसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऐड का ऑप्शन है ये पहले ग्रेड आउट होता है, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे टेबल को वो ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, ऐड पे क्लिक करोगे उसके बाद ओके। तो जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे आपके पास एक नई क्वेरी बन के आ जाएगी जिसका नाम यहाँ पे अपेंड वन है। आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। लेट्स से इसको आप लिख दो ए डब्ल्यू सेल्स 2015, 2016 एंड देन वी हैव 2017। सो ये एक डेटा बन के तैयार हो गया। इसमें सारे रोज होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 17 टिल 2016। सो यहाँ पे आप जब लोड मोर करोगे तो यहाँ पे सारे डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 17। अब इन ऑर्डर टू चेक कि सारे डेटा है या नहीं है, अगेन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कॉलम कर सकती हूँ। ऐड कॉलम में जाने के बाद डेट पे जाऊंगी और मुझे बस ईयर चाहिए और पर्टिकुलर ईयर निकाल लिया मैंने। तो नोटिस करो यहाँ पे 2017 शो हो रहा है। लोड मोर करूंगी मैं, वी कुडंट, देयर इज सम एरर इन डेट फॉर्मेट, दिस इज द रीजन ये यहाँ पे बाकी सारा डेटा ले नहीं रहा है। कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन 100 टॉप 100 रोज। सो बेसिकली लेट्स चेक फॉर एरर एज वेल इफ देयर इज एनी एरर इन माई डेटा सेट। ट्रांसफॉर्म पे गई,
ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद। सो गाइस इफ यू विल नोटिस यहाँ पे जो ऑर्डर डेट का डेटा टाइप है वो अभी भी ABC123 आ रहा है। दैट मीन्स कि अभी भी उसका डेटा टाइप वाज नॉट इन डेट। अब आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू डेट। नाउ लेट मी चेक इफ आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट। स्टिल इट्स इनकम्प्लीट, माइट बी बिकॉज ऑफ एरर। लेट मी चेक मोर। इट्स डेट ओनली। ओके लेट मी गो टू होम एंड दिस टाइम आई वॉन्ट टू रिमूव कॉलम, रिमूव रोज एंड आई वॉन्ट टू रिमूव द एरर्स। नाउ लेट मी चेक इफ आई हैव द डेटा। द डेट वैल्यू मस्ट कंटेन द डेट कॉम्पोनेंट। ओके सो लेट्स चेक मोर दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट एरर, व्हाई आर वी गेटिंग सच थिंग। 201 2015 डू वी हैव द डेट? नो। लिस्ट मे बी इनकम्प्लीट, माइट बी वी हैव सो मच ऑफ डेटा इन दिस पर्टिकुलर। ओके नाउ वी हैव द डेटा, ग्रेट। सो गाइस आई एक्चुअली वी द डेटा सेट दैट वी आर हैविंग इज वेरी ह्यूज। दिस इज द रीजन दैट वाज नॉट कंप्लीटिंग, दैट वाज नॉट कमिंग अप अर्लियर, बट व्हेन वी डिड एंड वी लोडेड ऑल द डेटा सेट, वी आर गेटिंग ऑल द डेट्स नाउ वेयर इन वी हैव 15 16 17 एंड सो ऑन। एंड इफ यू विल चेक इट फ्रॉम हियर एज वेल यू विल गेट दैट थिंग। Let me again do adding of the column. Again, here we are getting list incomplete. Now we have the completed list. Okay, and now I am going to transform. Let me transform it with date year only, then make me it as year. Then let me check if I am able to get. So this thing that you are getting is only because of the, now you can notice you have 15, 16, and 17. सो जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। सो आप जैसे ही लोड मोड पे क्लिक करोगे और एक्सट्रैक्ट करोगे सारे डेटा को, देन यू विल बी गेटिंग दी ऑल डेटा ओवर हियर। सो आई होप दिस इज क्लियर कि अपेंड एग्जैक्टली क्या करता है, कैसे काम करते हैं अपेंड में।